जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, रविवार का ये उपाय बहुत ही खास है। ये उपाय हर प्रकार से कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला और जीवन में खुशियों को भरने वाला और धन धान्य से भरपूर करने वाला है। जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है संपूर्ण श्रद्धा के साथ में, उसके जीवन से जन्म जन्मांतर की करीबी का नष्ट होता है। और इसके साथ साथ जो भी उसके जीवन में कष्ट होते हैं, बीमारियां हैं, कलह हैं, ऐसी सारी परेशानियों से, आदि व्याधियों से मुक्ति दिलाने वाला है। ये उपाय इतना चमत्कारी है कि इस उपाय को करने वाले व्यक्ति के जीवन से कष्ट तो दूर होते ही हैं, साथ साथ में वो चारों तरफ संपूर्ण होता है। क्योंकि इस उपाय में मैं आगे आपको बताऊँगा कि इस अंक का जो महत्व है वो किस तरह से संपूर्ण है और व्यक्ति को संपूर्णता दक्षता प्रदान करता है। इस अंक का प्रयोग करने वाला व्यक्ति हर जगह पर पूर्ण माना जाता है, चाहे वो घर परिवार हो, नौकरी हो, व्यापार हो, चाहे वो समाज हो, चाहे नाते रिश्तेदार, दोस्ती या कहीं पर भी, हर जगह ऐसा व्यक्ति पूर्णता के आरे पे दिखाई देता है। कहीं पर भी उसमें कोई भी कमी महसूस नहीं होती है। ये अंक व्यक्ति को इतना पूर्ण बना देता है। दोस्तों, संपूर्ण उपाय बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से पहुँचेंगे, तेज़ी से पहुँचेंगे और आप उन्हें मिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, बताता हूँ वो उपाय कि जो उपाय आपके जीवन से कष्टों को, समस्याओं को दूर करेगा, साथ ही साथ आपको मन चाहिए जीवन शैली प्रदान करेगा जैसा आप चाहते हैं। भौतिक सुख सुविधा, धन धान्य, मान सम्मान, ये सारी चीज़ों को प्रदान करेगा। क्योंकि ये जो अंक है, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि अंक व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा स्थान रखते हैं, बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। अंकों के बिना जीवन का सोचना भी मुश्किल है, वो संभव नहीं हो पाता है। तो अंक जीवन को बहुत ही ऊंचाई तक ले जाते हैं, वहीं गर्ता में भी धकेल देते हैं। तो आज मैं जो आपको अंक बताने वाला हूँ ये रविवार के लिए विशेष है। वैसे इस अंक को आप कभी भी लिख करके रख सकते हैं, लेकिन रविवार का जो दिन है, जो कोई भी व्यक्ति ऐसा चाहता है कि उसके जीवन में उसको धन धान्य के साथ साथ मान सम्मान भी मिले। देखिए, मान सम्मान बहुत बड़ी बात होती है, पैसे के साथ साथ मान सम्मान मिलना बड़ी बात होती है। जब आपको मान सम्मान मिलता है किसी जगह पर, चाहे वो आपका घर हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे समाज हो, कहीं पर भी जब आपको मान सम्मान मिलता है तो इसके लिए ऐसा कारण एक माना जाता है, इसके पीछे का एक कारण माना जाता है कि लोग आपको बहुत ही सम्माननीय दृष्टि से देखते हैं। और जब ऐसा होता है तो वह लोग आपकी बातों पर बहुत ही भरोसा करते हैं। और जब व्यक्ति किसी की बातों पर भरोसा करता है तो उसकी सारी बातों को मानता है। और जब आपकी सारी ही बातों को कोई व्यक्ति मानेगा तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो इस अंक के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, अंकों की विशेषताओं के बारे में बता देता हूँ कि कौन सा अंक क्यों इतना महत्व का है, रविवार के दिन इस अंक को क्यों लिखना है, ये अंक आपको क्या प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ जो इसमें अंक है, एक का। एक का अंक सूर्य का अंक है और जो रविवार है वो सूर्य का दिन माना जाता है। तो इसके लिए इसको विशेष रूप से रविवार के दिन लिखना चाहिए। और सूर्य के जो लाभ है, जब सूर्य किसी पर प्रसन्न होते हैं तो उसको मान सम्मान दिलाते हैं, धन दिलाते हैं, ऐश्वर्य दिलाते हैं और वैभव दिलाते हैं, कीर्ति दिलाते हैं। तो इसके लिए इस अंक को इसमें शामिल किया गया है। साथ ही आठ का अंक है। आठ का जो अंक है वो शनिदेव का अंक है। शनिदेव जो है वो आपके कर्मों को निर्धारित करते हैं, आपके कर्म के जो फल हैं उनको निर्धारित करते हैं। तो यदि आपसे कोई भूल चूक हो गई है, भूतकाल में आपसे कोई भूल चूक हो गई है, कुछ ऐसे कर्म हो गए हैं कि जिसका आप पर कुप्रभाव पड़ रहा है, तो इस अंक से वो कुप्रभाव नष्ट हो जाएगा। आप देखिए दोनों अंकों को, एक अंक आपको मान सम्मान प्रदान करेगा, दूसरा अंक आपके कर्मों के क्रूर प्रभाव को नष्ट करेगा। इससे आपकी जो गरीबी थी या जो कष्ट सहन कर रहे थे,
गरीबी थी, रोग था, बीमारी था, कलह था, इन चीज़ों को कम करेगा। और दूसरा, इन यदि दोनों अंकों का योग किया जाए तो 9 का अंक बनता है। 9 का अंक मंगल का अंक है, और मंगल जब किसी व्यक्ति पर प्रसन्न होते हैं तो उसके जीवन में मंगलकारी घटनाएं घटती हैं, शुभ घटनाएं घटती हैं। इससे व्यक्ति जमीन मकान मिलकत खरीदने में सफल हो पाता है। और जो 1008 का जो पूरा नंबर है, जो पूरा अंक है, इसे संपूर्ण अंक माना जाता है। ये जो संपूर्ण अंक है, जब आप इसको इस तरह से बिलीव करके, इस पे भरोसा करके, जब आप इसको लिख करके अपने पर्स में रखते हैं, तो ये आपके अंदर भी संपूर्ण दक्षता को प्रदान करता है, आपको संपूर्ण बनाता है, हर कोने में आपको पूर्णता दिलाता है। इसीलिए मैंने पहले कहा था कि ये अंक आपको आपके घर परिवार में, आपके व्यापार की जगह पर, आपके समाज में, नाते रिश्तेदार में, दोस्तों में, हर जगह आपको पूर्ण करेगा। सूर्य का अंक हर जगह आपको मान सम्मान दिलाएगा। इन जगहों पर जहाँ पर भी आपने कुछ ऐसे कर्म कर दिए होंगे जिसका आप पर कुप्रभाव पड़ रहा है, 8 का अंक उन कुप्रभावों को दूर कर देगा। और इन्हीं लोगों की मदद से, इन्हीं लोगों के साथ सहकार से 9 अंक के जरिए आप जमीन मकान मिलकत भी खरीद पाएंगे। इसलिए रविवार के दिन सफ़ेद कागज पर लाल रंग से, लाल रंग की पेन ले लें, कुमकुम ले लें, कैसे भी लाल रंग से आप इसको 1008 हिंदी में लिख करके अपनी पर्स में रख लें, और इसका प्रभाव देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका जीवन संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपके जीवन में कोई कष्ट है, परेशानी है, और आप चाहते हैं कि आपका जीवन बहुत बेहतर हो, तो इस अंक को लिख करके रख लें। और यदि इसमें कुछ समझ में ना आए तो मुझसे प्रश्न करें, मैं इसका अवश्य ही उत्तर दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा, और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश, और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।